देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज आपकी खिदमत में बहुत ही कमाल का एक नुस्खा लेकर आया हूँ। हमेशा हमेशा के लिए बालों को बिल्कुल स्याह करने का ये नुस्खा है। अगर तो आपके बाल जो हैं वो छोटी उम्र में ही कम उम्र में ही वाइट होने लगे हैं, मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, कुछ वजूहत होती हैं फ्लू की वजह से, जो एक फ्लू होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, आपके अंदर वो फिर मुख्तलिफ खराबियाँ पैदा करने लग जाता है, तो इसका बर वक्त इलाज कराना बेहतर ही है, क्योंकि ये मजीद बिगड़ जाए तो फिर ये बालों को स्याह करना शुरू कर देता है, बालों के ऊपर की जिल्द जो होती है वो वाइट होना शुरू होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके हेयर जो है जैसे जैसे आप काटते जाएंगे उतना आपको मजीद नुकसान होता जाएगा, यानी कि ये मजीद फैलते जाएंगे वाइट हेयर्स, ठीक है। इसका खात्मा करने के लिए, हमेशा हमेशा को के लिए खत्म करने के लिए वाइट हेयर्स को बहुत ही कमाल का टोटका लेकर आया हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ों से बना हुआ है, वो चार चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस नुस्खे में हमें जो चीज़ चाहिए है वो है दोस्तों अंडे की जर्दी, ठीक है। अंडे की जर्दी आपने एक अदद लेनी है, एक अदद अंडे की सिर्फ जर्दी लेनी है, सफेदी को आप अलहदा कर लीजिए, जर्दी आप सिर्फ ले लीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है दोस्तों सिरका, यानी कि विनेगर, ठीक है। सिरका हर घर में मौजूद होता है, सिरके में भी बहुत ज़्यादा शफा होती है, ठीक है। सिरका आपने तकरीबन से तकरीबन इस नुस्खे में लेना है सिर्फ 2 चम्मच चाय के, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है मिल्क, यानी दूध हमें चाहिए है, दूध हमने तकरीबन लेना है 2 चम्मच चाय के दूध लेना है, ठीक है। और मेहंदी आखिर में लेनी है, वो हसले जरूरत आपने लेनी है, तकरीबन से तकरीबन 2 चम्मच या 3 चम्मच आप लेना चाहिए, जितना आपने मकदार को लेना है, जितना आपने पेस्ट बनाना है उसके मुताबिक आप मेहंदी को ले लीजिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, तमाम अशिया को अच्छी तरह से मिक्स करना है, अंडे को, अंडे की जो जर्दी है उसको फेंट लीजिएगा, ठीक है। वो सिरका दूध आपस में तीनों मिक्स करके मेहंदी में आप डाल दीजिए और मेहंदी को अच्छी तरह से मिक्स करिए ताकि कोई खिड़कियाँ वगैरह ना बने। जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगा इन सब को आपने बालों में लगाना है, बालों में लगाकर जैसे आप मेहंदी का प्रोसेस होता है इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो आपके बाल आपको काले नजर आएंगे, ना कि ब्राउन नजर आएंगे। तो ये है मैजिक आज का, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। ये आप एक दफा लगाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके बाल मेहंदी में गली है, नेचुरल मेहंदी होनी चाहिए, ठीक है, जो बाजार से मिलती है, ठीक है। केमिकल में लेंगे तो जाहिर सी बात है वो नुकसान देंगे आपको, बाजार से खालिस मेहंदी लीजिएगा। जब ये लगाएंगे मेहंदी तो आपके रंग, आपके जो बालों का कलर होता है उसको ब्राउन करती है, लेकिन ये जो प्रोसेस की चीजें इसमें डली है, अंडा सिरका दूध, ये आपके बालों को फुल ब्लैक कर देंगी। तो दोस्तों एंजॉय करिए इस नुस्खे को, लगाइए और हमेशा के लिए जवान हो जाइए। कम उम्र में अगर आप लोग बहुत ज्यादा एजेड नजर आते हैं बालों की वजह से या बालों के गंजपन की वजह से, तो ये मेहंदी आपको बिल्कुल बिल्कुल जवान कर देगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देसी एल टीवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Created with free version for non-commercial use. हर खता ते शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है